आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विक्टर ओरबान की बात करेंगे। देखिए, कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया पे काल बन के आया है, लाखों लाखों लोग बीमार पड़ रहे हैं, हजारों में मृत्यु हो रही है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए वरदान बन गया है कोरोना वायरस, है ना? वो शायद इसी का ही वेट कर रहे थे। उसमें से एक है विक्टर ओरबान। विक्टर ओरबान की बात करें तो हंगरी के ये प्राइम मिनिस्टर हैं और हिटलर की राह पे चले गए। अब क्या हिटलर और विक्टर ओरबान का कोई संबंध है, हम देखेंगे इस लेक्चर में। क्या विक्टर ओरबान डिक्टेटर हो गए हैं, हम इस लेक्चर में देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जानने को दोस्तों, विक्टर ओरबान की बायोग्राफी है और हंगरी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हमने बनाए हैं, आप जरूर अवेल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, नंबर्स पर कॉल करिए। साथ ही साथ ट्विटर पर आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी दोस्तों। ये देख लीजिए, ये है यूरोप, ठीक है, और ये रहा हंगरी। हंगरी का थोड़ा इतिहास चलिए जान ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हंगरी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हंगरी के बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं। तो हंगरी की बात करें, लैंड लॉक्ड कंट्री है, 7 देश जो है इसको कवर करते हैं, ठीक है। एक समय पे ये ऑस्ट्रिया और हंगरी एक थे, बहुत बड़ा एम्पायर था। ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर 1867 में बनाया गया था, बहुत बड़ा एम्पायर था, वर्ल्ड वॉर 1 में टूट गया, ठीक है। आप देख ही सकते हैं पूरा का पूरा यूरोप, ये रहा ब्रिटिश आइल्स, ये सब मैंने कवर किया, सबका इतिहास मैंने कवर किया है, जर्मनी पोलैंड सब कुछ, ठीक है, इधर ये पूरा सोवियत। तो हम ये देख रहे हैं कि हंगरी जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर डानूबे रिवर जो जर्मनी तक जाती है, बहुत सारे देशों की लाइफलाइन है, पानी जो है, रिवर जो होती है, नदियां वो लाइफलाइन होती है, उसी से ही सब कुछ चलता है, खेती बाड़ी सब कुछ उसी से चलती है। 1 करोड़ की लगभग लगभग पॉपुलेशन है हमारे, तो एक अगर भारत की बात करें, एक शहर की पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा होती है, ठीक है। हंगरी में आधे से ज्यादा जो एरिया है वो पूरा माउंटेनियस है, बहुत खूबसूरत है हंगरी, बहुत ही खूबसूरत कार्पेथियन माउंटेन जो यहाँ पे हैं वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए टूरिस्ट स्पॉट भी है, ठीक है, यहाँ पे टूरिज्म फ्लरिश करता है, इकोनॉमी बढ़िया है, खाने पीने की कभी कमी नहीं रहती, 1 करोड़ तो लोग है खाली, क्या खाने पीने की कमी रहेगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है यहाँ पे, ज्यादातर लोगों को नौकरियां मिलेगी क्योंकि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, डेमोक्रेसी है हंगरी, अब वैसे डिक्टेटरशिप हो गई है, ठीक है। तो हंगरी ये है, ये आपके सामने, इसका थोड़ा इतिहास भी चलिए देख ही लेते हैं। अब अगर हंगरी की बात करें तो यहाँ पे 1222 में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, इससे पहले जो है वो पूरा राजा महाराजा ही रूल कर रहे थे। 1222 में भी राजा महाराजा शायद किंग एंड्रयू थे, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो कंसेप्ट है, अब मैंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन पूरा कवर किया है, आप देख लीजिएगा इंग्लैंड से कैसे वो ओरिजिनेट हुआ, मैग्ना कार्टा, ठीक है। हम ये देखते हैं कि हंगरी में भी इसी तरीके का एक कंसेप्ट आया जिसको गोल्डन बुल बोला गया। गोल्डन बुल क्या था, 1222 में इंट्रोड्यूस हुआ, ये बेसिकली हंगरी का मैग्ना कार्टा था। इसमें क्या था, राजा जो बोल देते हैं वो पत्थर की रकीर, वो कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं समझते, उनको टैक्स बनाना है बढ़ाएंगे, उनको जो करना है वो करेंगे। मैग्ना कार्टा क्या करता है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, क्या करते थे कि आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते, अगर राजा ने कुछ बोल दिया तो राजा की बात को माना नहीं जाएगा, राजा को सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तो हंगरी में जो गोल्डन बुल आया 1222 में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था, इसमें राजा ऐसे ही डिसीजन नहीं ले सकता था, अब उसको जो उसकी कैबिनेट है, जो भी मंत्रिमंडल था, उससे सलाह करनी पड़ती, ठीक है। उसके बाद हंगरी में हो गया मंगोल इन्वेजन, चंगेज खान की बायोग्राफी रिव्यू की है, मंगोल पे पूरा सेपरेट लेक्चर है मेरा, 6-7 लेक्चर मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। मंगोल इन्वेजन, मंगोल्स तो चंगेज खान तो पूरा यूरोप तक चले गए थे, ठीक है, वो एक सिरे से कवर करते हुए, बहुत ही जबरदस्त कहानी उनकी भी, ठीक है। तो इधर मंगोल इन्वेजन हुआ, हंगरी को पूरा बर्बाद। 1526 में हंगरी पे ऑटोमान का कब्जा हो गया, इधर पे बैटल लड़ी गई और ऑटोमान ने रूल किया। उसके बाद फिर ऑटोमान को हराया गया, किंग लियोपोल्ड थे शायद, ठीक है। फिर 1867 में ऑस्ट्रिया और हंगरी को एक किया गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, आप देख सकते हैं ना, ये पूरा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, बहुत बड़ा, ऑस्ट्रिया से सब कुछ कंट्रोल होता था, ये बनाया गया। और 1990 में वर्ल्ड वॉर 1 में ये ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग कर दिया गया, ठीक है, तो ये दोनों अलग हो गए और हंगेरियन रिपब्लिक बना। वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, हंगरी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, हंगरी ने जर्मनी का साथ दे दिया, जर्मनी को इन्वेड करना था सोवियत को, ठीक है। पहले क्या था, जर्मनी सोवियत भाई भाई, इधर स्टालिन और हिटलर ने ट्रीटी साइन कर ली, लेकिन बाद में जर्मनी ने सोवियत को धोखा दिया और जर्मनी ने इन्वेड कर दिया यूएसएसआर को, ठीक है। अब यहां पे हंगरी ने जर्मनी का साथ दिया, जर्मनी जीत जाता तब तो हंगरी की बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, सोवियत भी इनके कब्जे में आ जाता, बहुत बड़ा एम्पायर हो जाता, लेकिन जर्मनी हार गया, जर्मनी हार गया तो सोवियत ने हंगरी पे कब्जा कर लिया। और फिर 1956 में दोस्तों ये हंगरी का रेवोल्यूशन हुआ, हंगरी में पूरा रेवोल्यूशन हुआ कि सोवियत के जो ट्रूप्स यहां पे हैं उसको हटाओ
और अल्टीमेटली दोस्तों इस रेवोल्यूशन में पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत यहां पे हंगरी को ऑटोनॉमी दी गई, पूरी तरीके से नहीं। सोवियत याद रखिएगा ये यूएसएसआर के अंदर नहीं आता था, ठीक है, यूएसएसआर में सोवियत में 15 देश थे, उसमें हंगरी नहीं था, लेकिन जो यूएसएसआर के ट्रूप्स थे, सोवियत के ट्रूप्स थे, वो हंगरी में थे, ठीक है ना। 1989 में फाइनली हम देखते हैं कि हंगरी बिल्कुल अलग हुआ और सोवियत के जो आखिरी जो ट्रूप था वो पीछे हटे, और 1995 में तो सोवियत ही डिसॉल्व हो गया, यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया। तो 1991 से पहले हंगरी में क्या था, कम्युनिज्म, क्योंकि मैंने बताया ना कि सोवियत का दबदबा था, लेकिन 1991 के बाद सोवियत हट गया, हंगरी हो गया एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 1991 में यूरोप के सारे देशों में डेमोक्रेसी है, यहां पर डेमोक्रेसी आ गई। अब इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर कम्युनिज्म नहीं है दोस्तों। हंगरी की अभी भी जो आप पॉलिसीज देखेंगे, हंगरी का कल्चर ऐसा है, देखिए इतने सालों तक यहां पे राजाओं का रूल रहा, फिर हम ये देखते हैं कि कम्युनिज्म रहा, तो आप ये देखिए कि यहां पे जो पावर है वो एक के पास ही कॉन्सेंट्रेट रही। तो एकदम से अगर आप किसी के कल्चर को बदलना चाहेंगे तो मुश्किल है। जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल लीजिए, भारत का एग्जाम्पल लीजिए, भारत आज से डेमोक्रेसी थोड़ी ना है, भारत बहुत टाइम से डेमोक्रेसी है, ऐसे ही अमेरिका के साथ है, जब से अमेरिका बना वो एक डेमोक्रेसी, तो उनका कल्चर ही डेमोक्रेटिक है। लेकिन हंगरी का ऐसा कल्चर नहीं है, हंगरी का कल्चर डेमोक्रेटिक नहीं है, और वो विक्टर ऑर्बान ने कर दिखाया। तो 1991 में हंगरी जो है वो एक डेमोक्रेसी बन, और यहां पे चुनाव होने लगे, और इसी दौरान विक्टर ऑर्बान का उदय हुआ। ये हंगरी की कहानी थी संक्षेप में, आई होप आपको समझ में आई होगी, बताता रहता हूं दोस्तों। देखिए एक्चुअली हो सकता है बहुत सारी चीजें छूट जाती हो, क्योंकि मैं इधर उधर काफी पढ़ता रहता हूं, तो जो भी मतलब मुझे याद आता रहता है वो मैं आपको बताता रहता हूं। तो विक्टर ऑर्बान की बात करें दोस्तों, 31 मई 1963 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, इनके जो परिवार था वो गांव को बिलोंग करता था, ठीक है, पिताजी अच्छे थे, ठीक है, मिडिल क्लास थी, पैसा ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है, और माताजी भी काम करती थी। तो अब बहुत ही खतरनाक नाम है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक है, नाम मुझसे तो प्रोनाउंस ही नहीं होंगे, इनके विलेज का और वहां के जो नाम होते हैं ना इधर जो हंगरी और ऑस्ट्रिया के, बड़े अजीब टाइप के होते हैं, मुझसे तो बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं होते, कभी कुछ साइलेंट है तो प्रोनाउंसिएशन में अक्सर गड़बड़ हो जाती है मेरी, ठीक है। तो विक्टर ऑर्बान ने जो अपना जो चाइल्डहुड है वो पहले तो गांव में बिठाया, और उसके बाद फिर वो शहर आ गए, शहर में इन्होंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी, ठीक है, काफी पढ़े ये, कुछ टाइम के लिए ऑक्सफर्ड भी गए, लेकिन फिर ये वापस आ गए, ठीक है, वापस आ गए, ये पढ़ाई पूरी की। अब देखिए इनका जो शुरुआती जीवन था ये लिबरल थे, ठीक है, कम्युनिज्म एज सच इनके दिमाग में ऐसा घुसा नहीं था, या फिर कोई ऐसा नहीं था कि इनको डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये पॉलिटिक्स में आए तब इनका नजरिया बदल गया, जब इन्होंने पावर को चखा, यही होता है जब इंसान के पास पावर आ जाती है ना, तो वो सोचता है कि ये पावर मेरे पास से कभी जाए नहीं, नशा बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, ठीक है, तभी जितने भी संत महात्मा वो हमेशा बोलते हैं मटेरियलिस्टिक मत बनो, ये पावर से दूर रहो, ये ताकत से दूर रहो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो विक्टर ऑर्बान शुरू में तो लिबरल थे, ठीक है, जो इनकी पॉलिसी जो ये बताते थे वो सब बढ़िया रहता था, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आए तब इनकी जो राजनीति थी वो थोड़ी गड़बड़ थी, ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि इधर जो इनकी जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो इनका जो मतलब इनकी जो सरकार थी वो नेशनलाइजेशन कर देती थी, ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने अंडर ले लेती थी, ठीक है, जबरदस्ती अपने अंडर टैक्स, उल्टे सीधे टैक्स लगा दिए, करप्शन बहुत ज्यादा होता था। तो विक्टर ऑर्बान जो थे जब पॉलिटिक्स में थे, इन्होंने तो संविधान तक को बदलने की कोशिश की थी, तो ये तो एक मौका ही ढूंढ रहे थे कि मुझे एक मौका मिले और मैं पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप लॉन्च कर दूं, और वही इनको मौका कोरोना के फॉर्म में मिल गया। अब वो क्या है अभी हम आगे देखेंगे। 1988 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई ली, फिडिश पार्टी, ठीक है, बाद में इसी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, यंग डेमोक्रेट्स। अब देखिए ये कमाल आपको देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी की ताकत, डेमोक्रेसी हर किसी को पसंद है, फ्रीडम, हर एक इंसान को फ्रीडम पसंद है। अब डेमोक्रेसी की ताकत आप देखिए कि जितनी कम्युनिस्ट पार्टी भी है, ठीक है, उसमें भी डेमोक्रेसी आएगा, उन्होंने भी अपने नाम के आगे डेमोक्रेसी लिखा है, ठीक है, जो जहां जहां पे कम्युनिज्म आया है वो डेमोक्रेसी जरूर घुसेड़ देते हैं, है ना, क्योंकि उसके बिना तो पब्लिक आपके साथ आएगी नहीं। तो ये भी यंग डेमोक्रेट्स, इन्होंने भी, ये जो पूरी भयानक इनकी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ये पढ़ सके तो मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है, तो यंग डेमोक्रेट्स, अलायंस ऑफ यंग डेमोक्रेट्स, ये बना लिए इन्होंने 1928 में, फिडिश जिसको नाम बोला गया, ठीक है। उसके बाद इसके लीडर बन गए, इसके प्रेसिडेंट भी बन गए, स्पोक्स पर्सन भी बन गए, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे विक्टर ऑर्बान से एक तबका जो है इनकी पार्टी से वो अलग हो गया, क्योंकि विक्टर ऑर्बान की जो पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी नहीं लगी यहाँ पे लोगों को।
या विक्टर ओरबान का जो नजरिया था वो बहुत अच्छा नहीं लगा। अब हम देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स में आ गए, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के पॉलिटिक्स करने लगे। वैसे तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स उनको पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए, ठीक है। अक्सर लोग इस बात से हट जाते हैं कि नहीं हमको पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बेकार है, लेकिन जितने भी इंटेलेक्चुअल्स उनको तो पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। तो विक्टर ओरबान जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनकी पार्टी जीत गई, कमाल हो गया। 1998 से लेकर 2002 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे और यंगेस्ट, सेकेंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, 35 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर हो गए थे। भारत में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। उनकी बायोग्राफी भी मैंने कवर की है, वैसे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की बायोग्राफी मैंने कवर की है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आपको जानना है तो सारी बायोग्राफीज देख लीजिए, ठीक है। तो 1998 में इनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, अब इनकी पार्टी ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, एक एमडीएफ पार्टी थी उसको जोड़ के इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, गठजोड़ करके, ठीक है, गठबंधन करके इन्होंने क्या कहते हैं कि सरकार बनाई और 4 साल तक इनकी सरकार चली, ठीक है। अब उस समय भी इन्होंने थोड़ी कोशिश तो की थी कि सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया जाए, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कर दी जाए, ठीक है। हालांकि इनके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो सक्सेसफुल साबित हुए, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा, इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ, ये अच्छी बात थी, ठीक है। लेकिन लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, एक तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, ठीक है, दूसरी चीज ये थी कि करप्शन बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि इनके जो मंत्री थे वो कुछ ऐसे बयानबाजी कर देते थे जो लोग काफी दुखी हो जाते थे। 2002 में जब इलेक्शन हुआ दोस्तों तो इनकी सरकार चली गई और 2002 से लेकर 2010 तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, ठीक है। 8 साल तक दोस्तों इन्होंने सत्ता का स्वाद नहीं चखा, लेकिन 2010 में, 2010 में जब इलेक्शन हुए दोस्तों तब इनकी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आई, बिल्कुल इनकी फिदिश पार्टी जो है 2009 के, 2010 के जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि 52% इनको वोट मिले और जब 52% वोट मिले काम हो गया इनका, ठीक है। अब जैसे ही ये सत्ता में आए संविधान ही बदल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। 386 सीटें हैं, सीट्स थी ये हंगरी की पार्लियामेंट की, इसको 199 कर दिया, बस कम सीटें घटा दी। क्यों? इसलिए जितनी कम सीटें उतने चांसेस विक्टर ओरबान की पार्टी को कि वो मेजोरिटी में आएंगे, जाहिर सी बात है ना। ज्यादा सीटों का मतलब क्या है? ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। कम सीटों का मतलब क्या है? कम रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यही चीज ये 1998 से लेकर 2002 तक भी करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय कोलिशन गवर्नमेंट थी, बहुमत नहीं थी तो ये कर नहीं पाए। कोलिशन गवर्नमेंट में भी जो दूसरी पार्टी है, आपने गठजोड़ गठबंधन करके सरकार बनाई है, ठीक है, तो दूसरी पार्टी इस बात की सहमति थोड़ी ना देगी, लेकिन अगर आपके पास मेजोरिटी है तब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो विक्टर ओरबान ने क्या किया कि 2010 में कानून ही बदल दिया और 2012 में फिर कानून बदला, 2012 से लेकर अभी तक 7-8 बार कानून ही बदल चुके हैं ये, ठीक है। तो ये वही कहना कि बस मौका ढूंढ रहे थे। हिटलर ने भी यही किया था, हिटलर ने भी यही किया था। चलिए विक्टर ओरबान की पहले बात करते हैं, फिर हिटलर और इनको कंपेयर करेंगे जरा, ठीक है। तो विक्टर ओरबान ने यहां पे जब इनकी सत्ता आई, ठीक है, शुरू में तो ऐसा सच ऐसा नहीं था कि इन्होंने बहुत कुछ बोला या बहुत आग उगली, नहीं, धीमे धीमे इन्होंने चीजों को अपने अंडर करना शुरू किया। पहले तो ये इंटरनेट के थोड़ा खिलाफ थे, प्रेस को इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है, प्रेस जो है वहां की मीडिया जो है, देखिए मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा मीडिया अप्लाइड है, ठीक है, अप्लाइड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज मीडिया, और अगर मीडिया बायस्ड है पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है तो समझ लीजिए सब कुछ बर्बाद है। एक इंसान थकार के आएगा तो वो बैठ के किताब थोड़ी ना पढ़ेगा, अगर कोई इंसान थकार के आ रहा है तो बैठ के किताब नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, वो क्या टीवी खोलेगा और टीवी पे यहां पे एक ही पार्टी का गुणगान चल रहा है, बर्बाद हो गया वो, है ना, और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विक्टर ओरबान का जो पूरा मीडिया कंट्रोल करते हैं, वो जुडिशरी पे इन्होंने अपने लोग बैठा दिए, अपने जजेस बैठा दिए, इन्होंने एक तरीके से धीमे धीमे सेंट्रलाइजेशन शुरू किया, जैसे हिटलर ने किया था ठीक वैसे ही। हालांकि इतनी ग्रेव तो कंडीशन नहीं है, लेकिन हंगरी दोस्तों बहुत बड़ा है, आपने देखा ना हंगरी कितना बड़ा है, तो हंगरी बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा देश है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का हनन जो है वो यहीं से ही शुरू हो गया। साथ ही साथ इंटरनेट, अब सोशल मीडिया पे तो आप आराम से अपने व्यूज रख सकते हैं, इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो इंटरनेट टैक्स लगाने की बात कर दी कि अब इंटरनेट पे भी टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने किया, एक तरीके से वही सत्ता का एकीकरण, फिर नेशनलाइजेशन इन्होंने, केंद्रीकरण, सॉरी,
नेशनलाइजेशन इन्होंने शुरुआत इसकी शुरुआत कर दी, ठीक है। हालांकि आप भले ही हंगरी जो है वो डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पे आपको सोशल पॉलिसी बहुत ज्यादा मिलेंगी। यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, यहाँ पे ये सब सोशलिस्ट पॉलिसी का हिस्सा होती है, ठीक है, एक कैपिटलिस्ट स्टेट में सब नहीं होता है। तो हंगरी जो है, हंगरी से पूरी तरीके से कम्युनिज्म नहीं गया है, और अच्छी बात है। देखिए क्या है कि कोई भी इकोनॉमी होनी चाहिए ना, कम्युनिज्म से अच्छे पॉइंट लो, कैपिटलिज्म से अच्छे पॉइंट लो, डेमोक्रेसी से अच्छे पॉइंट लो, उसको अप्लाई कर दो, बेस्ट रहेगा वो, उससे कोई। तो हंगरी में सब होता है, ठीक है, लेकिन वही चीज है कि विक्टर ऑर्बान ने 2010 के बाद से सारी चीजें अपने आप अपने ही मतलब खुद से ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, पहले तो पार्लियामेंट की सीट बढ़ाई घटाई, ठीक है, उसके बाद फिर 2014 में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, अभी 2010 में हुए, 4 साल का टर्म होता है वहां पे सरकार का, तो 2010 में इलेक्शन हुए, फिर 2014 में इलेक्शन हुए, इस बार और भयंकर मेजोरिटी से आए, 199 में से 133 सीटें मिली, लोगों को काम पसंद आया, काम अच्छा था, इन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाई थी दोस्तों, ठीक है। देखिए हंगरी में क्या है कि अगर वहां पे आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे वेलफेयर स्कीम चलती है, वहां पे आपको कोई स्किल सिखा दी जाएगी, आपको लाइट बनाना सिखा दिया जाएगा, आपको आप मतलब प्लम्बरी आपको सिखा दी जाएगी, इसीलिए वहां पे दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, बेरोजगारी वहां पे कम है, रोजगार वहां पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो लोग बहुत ज्यादा खुश थे 2014 में, विक्टर ओरबान की सरकार जो है वो फिर से चुन के आई, और यहां से जब दोबारा इंसान को ताकत मिलती है तो बस वो घमंड में आ गया। फिर 2016 में कोई भी इमाइग्रेंट मेरे यहां नहीं आएगा, आपको पता ही है कितना ज्यादा इशू चल रहा था दोस्तों इधर यूरोप में, बहुत ज्यादा फिर आईसिस की प्रॉब्लम, तो इन्होंने बकायदा पूरा बॉर्डर ही सील कर दिया था हंगरिया का, ठीक है ना, कि कोई भी इल्लीगल माइग्रेंट जो है वो नहीं आएगा, तो बहुत ये भी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, अब क्या करें। 2018 में दोस्तों इन्होंने काफी लोगों से मिलना शुरू किया, जिसमें टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयिप अर्दोगन, अब रिसेप तैयिप अर्दोगन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, इन्होंने भी सब कुछ खत्म कर दिया टर्की में, इन्होंने भी ना ये भी डिक्टेटर हो गए एक तरीके से, सब संविधान सब कुछ खत्म करके सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया, मतलब एक पूरी इन्हीं के पास ही सत्ता आ गई। उसके बाद ये मिले चाइना के शी जिनपिंग, शी जिनपिंग तो आजीवन के लिए राष्ट्रपति है कि जब तक बेटा मौत नहीं होगी तब तक तुम राष्ट्रपति बनो, हालांकि अब कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। आंग सान सू की से मिले, अब यहां पे हो सकता है इनसे मिले हो ऐसे लोगों से, शी जिनपिंग, रिसेप तैयिप एर्दोगन, तो हो सकता है उन्होंने इनको कुछ बोला हो कि यार देखो ऐसा है डेमोक्रेसी में कुछ नहीं रखा है, जो हम कर रहे हैं तुम भी वही करो, डिक्टेटर बन जाओ, क्या पता भाई, है ना, खैर जोक्स अपार्ट। अब 2020 में क्या हुआ, 2020 में दोस्तों कोरोना चली रहा है आपको पता ही है, तो कोरोना के ही चक्कर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लॉ पास कर दिया, रूल बाय डिक्री, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो राजा, अभी मैंने बताया था, जो राजा महाराजा के मुंह से निकल जाता था, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि सांस नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है सांस, ऐसा था, तो यही रूल बाय डिक्री, जो प्राइम मिनिस्टर बोल देगा वही है भैया, वही उसी को ही आपको मानना है। और यहां पे इन्होंने पूरी पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, ठीक है, इमरजेंसी लागू कर दी, और जो ये बोलेंगे, अब जो यहां पे विक्टर ओरबान कहेंगे वही होगा हंगरी में, और हवाला इन्होंने दिया कोरोना का, बल्कि हंगरी में कोरोना के केसेस है ही नहीं, बहुत कम केसेस है दोस्तों, हंगरी में शायद 500-600 कुछ केसेस है, तो कोरोना के केसेस हंगरी में आ ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, कोरोना की वजह से यहां पे सबको क्वारंटीन करना पड़ेगा, और मैं इमरजेंसी लागू कर रहा हूं, रूल बाय डिक्री हो रहा है, साथ ही साथ अगर कोई क्वारंटीन करने में वो ज्यादा हेजिटेट करेगा 5 साल के लिए अंडर डाल देंगे, 8 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे, ऐसी सजा का भी इन्होंने ऐलान कर दिया। अब दोस्तों ये आप देखिए, ये बदले के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, इसका यूज करके ये किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, किसी के भी इल्जाम, अब भैया चलनी तो इनकी है, किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं कि ये कोरोना में जो हमारे डॉक्टर्स गए हैं वहां पे ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, चलो जेल में डालो इसे, तो ये हो सकता है ना, तो सत्ता का एकीकरण हो गया, ठीक है, ये पूरा डिक्टेटरशिप यहां पे, तो ये बहुत जो पूरी दुनिया है इस पे ज्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और चुप है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने भी कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है। हिटलर ने भी दोस्तों यही तो किया था, हिटलर ने क्या किया था, हिटलर को पता था कि मैं एकदम से डिक्टेटरशिप लागू कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसने भी 1933 में क्या बोला था कि हमको रूल बाय डिक्री दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वहां पे हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक तरीके से तोड़ डाला, है ना, हिटलर की पूरी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, उसने पहले तो वो सत्ता में आया और उसके बाद पूरी राइशडैक को उसने आग लगा दी, धू धू के जली राइशडैक, खत्म, और पूरी सत्ता उसके पास, सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे उसने अपने आदमी बैठा दिए, 1945 तक ये सब कुछ चला, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ,
करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, कितने यहूदियों को मार दिया गया, और यही विक्टर ओरबान कर रहे हैं। ठीक एग्जैक्ट ऐसे ही सेम चीज विक्टर ओरबान ने कर दी है। अब यहां पे इन्होंने कोरोना का बहाना बनाया है, समझ रहे हैं? तो अब क्या ये डिक्टेटर है या क्या ये अथॉरिटेरियन स्टेट है, पता नहीं, हो भी सकता है। वैसे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है, विक्टर ओरबान का करियर जिस तरीके का है, जिस तरीके का नेचर है, ऐसा लग रहा है कि अब ये भी लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट या रेवोल्यूशन नहीं हो जाता हंगरी में। वरना तो समझ लीजिए पूरी ताकत विक्टर ओरबान के पास थी। इन्होंने ये भी नहीं कहा ना कि इमरजेंसी को खत्म कब करेंगे, इन्होंने तो खाली रूल बाय डिग्री नया लॉ पारित कर दिया, कुछ इन्होंने नहीं बोला कि ये जो रूल है, ये जो इमरजेंसी है, कब खत्म होगी। तो ये भी नहीं बोला कि जब बीमारी खत्म हो जाएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा तब खत्म करेंगे, कुछ नहीं बोला। बस कोरोना के चक्कर में इन्होंने, कोरोना का बहाना लेके इन्होंने हंगरी में ये डिक्टेटरशिप जो है वो लगा दी, इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, और पूरी की पूरी ताकत इनके पास आ गई। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, ठीक है। वैसे डिक्टेटरशिप आपको अभी अगर प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करें तो सबसे खतरनाक डिक्टेटरशिप आपको कहां देखने को मिलेगी, नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में पता भी नहीं होता ना कि वहां पे क्या हो रहा है। किम जोंग उन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, वहां पे कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या है क्या नहीं है, कुछ भी बाहर आता ही नहीं है वहां से, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप आपको प्रेजेंट वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। बाकी चाइना में तो शी जिनपिंग है, उनकी अथॉरिटेरियन रिजीम है, इधर फिर व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, और अब विक्टर ओरबान हो गए। अभी टर्की के इनके दोस्त जिनसे मिलने गए थे, जैसे तैयब अर्दोगान ने भी यही किया। तो अब ये देख रहे हैं ना कि दुनिया कैसे बदल रही है, हर कोई ताकत को अपने पास ही रखना चाह रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।